हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं साक्षी वर्मा और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो वेलकम्स यू ऑल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। बिफोर अ मंथ अगो वी हैव स्टार्टेड दी सीरीज ऑफ 500 हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज विच वी हैव फिनिश्ड लास्ट वीक। सो टुडे सेशन इज जस्ट लाइक अ टेस्ट। सो फॉर मोर बेनिफिट वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्टेड द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी एंड ऑप्शन डी अकबर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? फॉर होम वाली चोल एरा फेमस। ऑप्शन ए ग्रामीण सभाएं, दैट मीन्स रूरल मीटिंग्स। ऑप्शन बी लंका से व्यापार, दैट मीन्स बिजनेस फ्रॉम लंका। ऑप्शन सी धार्मिक सभाएं, दैट मीन्स रिलीजियस गैदरिंग्स। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रूरल मीटिंग्स, दैट मीन्स ग्रामीण सभाएं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर इज। ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी नरेंद्र पाल, ऑप्शन सी धर्मपाल एंड ऑप्शन डी नयपाल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी धर्मपाल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन वंश का स्थापक था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सेन डायनास्टी? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी सामंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सामंत सेन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ गुप्ता पीरियड? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु एंड ऑप्शन डी सन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विष्णु। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट मेंशन इन संगम लिटरेचर? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी कदम एंड ऑप्शन डी पांड्य। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कदम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया आफ्टर दी सुंग डायनेस्टी? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी सातवाहन एंड ऑप्शन डी कुषाण। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्ण। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड गोल्ड करेंसीज ऑन अ लार्ज स्केल? ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी सुंगों ने, ऑप्शन सी ग्रीक वासियों ने एंड ऑप्शन डी कृषाण शासकों ने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कृषाण शासकों ने। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्ण डायनेस्टी? ऑप्शन ए नारायण, ऑप्शन बी सुशर्मा, ऑप्शन सी वसुदेव एंड ऑप्शन डी भूमिमित्र। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
And the right answer is option C, Vasudev. Move to the next question. मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? Who founded the Maurya Empire? Option A, चंद्रगुप्त मौर्य. Option B, अशोक. Option C, बिंदुसागर. And option D, ये सभी, all of these. So your time starts now. And the right answer is option A, चंद्रगुप्त मौर्य. Move to the next question. महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध बिलोंग टू विच रीजनल क्लेन? ऑप्शन ए जांत्रिक, ऑप्शन बी कोल्ली, ऑप्शन सी शाक्य एंड ऑप्शन डी कोसला. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी शाक्य. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. भीम बेदका किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉट इज भीम बेदका फेमस फॉर? ऑप्शन ए खनिज दैट मीन्स मिनरल, ऑप्शन बी सोन नदी का उद्यम स्थल दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ सोन रिवर, ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र दैट मीन्स रॉक पेंटिंग्स ऑफ केव एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र दैट मीन्स रॉक पेंटिंग्स ऑफ केव. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस वाज द मेजर पोर्ट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी कदंब, ऑप्शन सी चोल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चेर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी विक्रमशिला एंड ऑप्शन डी ये सभी, ऑल दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कौशाम्बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ लिवलीहुड कम्युनिटी? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी मक्खली गोसाल, ऑप्शन सी आनंद एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मक्खली गोसाल. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक वॉज फाउंडेड बाय होम इन वैशाली? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी मौर्य एंड ऑप्शन डी नंद. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लिच्छवी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? वॉट इज द विलेज हेडमैन कॉल्ड इन पाली टेक्स्ट? ऑप्शन ए ग्राम भोजक दैट मीन्स विलेज ईटर, ऑप्शन बी ग्रामपति, ऑप्शन सी मुखिया दैट मीन्स चीफटेन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्राम भोजक दैट मीन्स विलेज ईटर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? हु इज गिवन द डिनोमिनेशन ऑफ अर्ली पोइट्री? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी रामायण एंड ऑप्शन डी गीत गोविंद. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. And the right answer is option C, Ramayan. Move to the next question. Yog Darshan ke pratipadak kaun hai? Who is the proponent of yoga philosophy? Option A, Gautam. Option B, Chanakya. Option C, Vidur. And option D, Patanjali. So your time starts now. And the right answer is option D, Patanjali. Move to the next question.
अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? वेयर इज अस्तोमा सद्गमय डिराइव फ्रॉम? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी उपनिषद। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऋग्वेद। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी माता एंड ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रकृति, दैट मीन्स नेचर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस? ऑप्शन ए शिक्षा, दैट मीन्स एजुकेशन, ऑप्शन बी पशुपालन, दैट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी कृषि, दैट मीन्स एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी व्यवसाय, दैट मीन्स बिजनेस। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पशुपालन, दैट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? व्हाट डिड द पीपल ऑफ सिंधु घाटी बिलीव? ऑप्शन ए मातृशक्ति, दैट मीन्स मदर पावर, ऑप्शन बी कर्मकांड, दैट मीन्स रिचुअल्स, ऑप्शन सी आत्मा, दैट मीन्स सोल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मातृशक्ति, दैट मीन्स मदर पावर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? हु बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड नॉट हैव रिपब्लिकन गवर्नेंस? ऑप्शन ए कुशीनगर के मल, ऑप्शन बी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी मगध एंड ऑप्शन डी कपिलवस्तु के शाक्य। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मगध। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली द गॉड ऑफ वाटर और सी? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी नसल, ऑप्शन सी वरुण एंड ऑप्शन डी मित्र। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वरुण। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए व्यापार, दैट मीन्स बिजनेस, ऑप्शन बी कृषि, दैट मीन्स एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी शिक्षा, दैट मीन्स एजुकेशन एंड ऑप्शन डी पशुपालन, दैट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
And the right answer is option A, व्यापार, that means business. Move to the next question. किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ विच सिख गुरु? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव एंड ऑप्शन डी गुरु रामदास. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज गुरु नानक बॉर्न? ऑप्शन ए तलवंडी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी रोपड़ एंड ऑप्शन डी मुल्तान. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए तलवंडी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? विच रिलीजन वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द चोल किंग्स? ऑप्शन ए जैन धर्म दैट मीन्स जैनिज्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म दैट मीन्स वैष्णविज्म, ऑप्शन सी सैव धर्म दैट मीन्स सैविज्म एंड ऑप्शन डी बौद्ध धर्म दैट मीन्स बुद्धिज्म. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सैव धर्म दैट मीन्स सैविज्म. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर? ऑप्शन ए दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी गोविंद, ऑप्शन सी इंद्र एंड ऑप्शन डी अमोदवर्ष. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दंतीदुर्ग. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? द मोस्ट डिसीसिव वॉर विच एस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया वॉज? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध दैट मीन्स बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन बी पानीपत का तीसरा युद्ध दैट मीन्स थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध दैट मीन्स वॉर ऑफ प्लासी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध दैट मीन्स बैटल ऑफ बक्सर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी सरोद एंड ऑप्शन डी तबला. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वीणा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? वेयर इज बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी लखनऊ. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लखनऊ. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? हु वॉज द फर्स्ट टू गिव इम्पोर्टेंस टू कन्नौज? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुशाण, ऑप्शन सी मौखरी एंड ऑप्शन डी गुप्ता. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मौखरी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? विच रूलर ऑफ द बंगाल वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्ष? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी भास्कर वर्मा, ऑप्शन सी ध्रुव सेन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शशांक. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? द गोल्ड करेंसी ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज कॉल्ड? ऑप्शन ए काशाणपण, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी काकिनी एंड ऑप्शन डी निष्क. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दिनार. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? विच यूनिवर्सिटी बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी बल्लभी एंड ऑप्शन डी नालंदा. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
And the right answer is option D, Nalanda. Move to the next question. Inqilab Jindabad ka nara kisne diya? Who gave the slogan of Inqilab Jindabad? Option A, Khudiram Bose. Option B, Bhagat Singh. Option C, Mahatma Gandhi. And option D, Subhash Chandra Bose. So your time starts now. And the right answer is option B, Bhagat Singh. Move to the next question. Prachintam Tamil Devta Gurugan kis Vedic Devta ke sadrashya hain? The oldest Tamil deity Murugan is akin to which Vedic deity? Option A, Vishnu. Option B, Kartike. Option C, Mahesh. And option D, Brahma. So your time starts now. And the right answer is option B, Kartike. Move to the next question. Sangam निम्न में से किससे संबंधित है? Sangam is related to which of the following? Option A, व्यापारियों से, that means from merchants. Option B, प्रशंसकों से, that means from administrators. Option C, विद्वानों से, that means from scholars. And option D, कलाकारों से, that means from artists. So your time starts now. And the right answer is option C, विद्वानों से, that means from scholars. Move to the next question. आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है. What is the recent ancestors of modern humans? Option A, Java मनुष्य, that means Java man. Option B, Cro-Magnon मनुष्य, that means Cro-Magnon. Option C, Neanderthal मनुष्य, that means Neanderthal man. And option D, Peking Manus. So your time starts now. And the right answer is option B, Cro-Magnon Manus. Move to the next question. Natya Shastra, Shastra ki rachna kisne ki? Who composed the Natya Shastra scripture? Option A, Vasumitra. Option B, Ashwaghosh. Option C, Bharat Muni. And option D, Vatsayan. So your time starts now. And the right answer is option C, Bharat Muni. Move to the next question. Uttar Gupta Yug mein jo Vishwavidyalaya prasiddh hua vah tha. The university which became famous during the Uttar Gupta era was. Option A, Kanchi. Option B, Takshila. Option C, Nalanda. And option D, Vallabhi. So your time starts now. And the right answer is option C, Nalanda. Move to the next question. निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? Who among the following is responsible for कनिष्क being a Buddhist? Option A, वसुमित्र. Option B, अश्वघोष. Option C, नागार्जुन. And option D, बाणभट्ट. So your time starts now. And the right answer is option B, Ashw Ghosh. Move to the next question. सात वाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? Under whom did the सात वाहन as the first act as local authorities? Option A, मौर्यों के अधीन, that means under the Mauryans. Option B, चेरों के अधीन, that means under the Chair. Option C, चोलों के अधीन, that means under the Cholas. And option D, Nando ke adhin, that means under Nando. So your time starts now. And the right answer is option A, Mauryo ke adhin, that means under the Mauryans. Move to the next question. Pataliputra mein isthit Chandragupta ka mahal mukhyata bana tha. The place of Chandragupta in Pataliputra was mainly built by. Option A, Ito ka, that means of bricks. Option B, मिट्टी का, that means of clay. Option C, पत्थर का, that means of stone. And option D, लकड़ी का, that means of wood. So your time starts now. And the right answer is option D, लकड़ी का, that means of wood. Move to the next question. मेगस नीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगस नीज divided Indian society into how many categories? Option A, 4.
ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 7. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? विच इज कंसिडर्ड द होलीएस्ट रिवर इन द ऋग्वेद? ऑप्शन ए सिंधु दैट मीन्स इंडस, ऑप्शन बी सतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सरस्वती. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडर्स इन एंशियंट इंडिया? सो जो लोग आज न्यू हैं उनके लिए बता दूं कि यू हैव ओनली 5 सेकंड टू आंसर. दैट मीन्स आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. एंड आप लोगों के जो भी आंसर हो वो लाइव चैट में कंटिन्यूसली आंसर करते रहना. इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एंड एट लास्ट प्लीज कमेंट योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स. ऑप्शन ए परिषद दैट मीन्स द काउंसिल, ऑप्शन बी मनीग्राम, ऑप्शन सी अष्टदिग्गज एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. And the right answer is option B, मनीग्राम. Move to the next question. सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? Where did सिद्धार्थ attain enlightenment? Option A, सारनाथ, option B, गया, option C, वाराणसी and option D, कुशीनगर. So your time starts now. And the right answer is option B, गया. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द करेंसी प्रिवलेंट इन द मौर्य एम्पायर? ऑप्शन ए तोल, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी पर्ण एंड ऑप्शन डी काकड़ी. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पर्ण. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चरक किसके राज चिकित्सक थे? हुज रॉयलिस्ट वाज चरक? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन एंड ऑप्शन डी कनिष्क. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कनिष्क. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क? ऑप्शन ए पानियन, ऑप्शन बी पेंचाओ, ऑप्शन सी होटी एंड ऑप्शन डी शी हुआंग टी. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेंचाओ. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पारसनाथ पर्वत, ऑप्शन सी आबू पर्वत एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आबू पर्वत. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अजय पाल संस्थापक थे? अजय पाल वाज दी फाउंडर ऑफ? ऑप्शन ए अजमेर के, ऑप्शन बी भरतपुर के, ऑप्शन सी अलवर के एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अजमेर के. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पल्लवों की राजधानी थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ दी
पल्लव्स। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी संस्कृत। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द खलीफा? ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी ये सभी, ऑल दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? वॉट इज द नेम ऑफ द रूलर हु बिल्ट द विजय पिलर? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा हमीर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राणा कुंभा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? विद होम इज तमिल लेजेंड जीवन चिंतामणि रिलेटेड? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई एंड ऑप्शन डी जैन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जैन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च यवनिका इन इंडियन थिएटर? ऑप्शन ए यूनानियों ने दैट मीन्स ग्रीक्स, ऑप्शन बी पार्थियनों ने दैट मीन्स पार्थियंस, ऑप्शन सी कुषाणों ने दैट मीन्स कुशांस एंड ऑप्शन डी शकों ने दैट मीन्स शक्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूनानियों ने दैट मीन्स ग्रीक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वॉट वॉज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द मौर्यन पीरियड्स? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी वैशाली एंड ऑप्शन डी उज्जैन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी तक्षशिला। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हुज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट्स वाज इमेंस? ऑप्शन ए हिंदू यूनानी, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी पार्थियंस एंड ऑप्शन डी गुप्त। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिंदू यूनानी दैट मीन्स हिंदू एंड ग्रीक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? वॉट वॉज द फर्स्ट ग्रेन्स यूज बाय ह्यूमन्स? ऑप्शन ए चावल दैट मीन्स राइस, ऑप्शन बी गेहूं दैट मीन्स व्हीट, ऑप्शन सी बाजरा दैट मीन्स मिलेट, ऑप्शन डी जौ दैट मीन्स बार्ले। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट मीन्स चावल राइस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? वॉट वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रूलर्स? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी एंड ऑप्शन डी प्राकृत। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी संस्कृत। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इन विच पीरियड वर द मोस्ट गोल्ड कॉइन्स इशूड? ऑप्शन ए गुप्त काल में,
दैट मीन्स इन द गुप्ता पीरियड्स. ऑप्शन बी कुषाण काल में, दैट मीन्स इन द कुषाण पीरियड. ऑप्शन सी मौर्य काल में, दैट मीन्स इन द मौर्यन पीरियड्स. एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में, दैट मीन्स इन द एरा ऑफ हर्षवर्धन. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुप्त काल में, दैट मीन्स इन द गुप्ता पीरियड. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाण भट्ट वाज द रॉयल कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्परर? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हर्षवर्धन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? विच फॉरेन ट्रेवलर्स फर्स्ट विजिटेड इंडिया? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी वसुमित्र एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेगस्थनीज. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेड इंडिया? ऑप्शन ए 1350 ईस्वी में, इन 1350 एडी. ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में, दैट मीन्स 1600 एडी. ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में, दैट मीन्स 1398 एडी. एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में, दैट मीन्स 1398 एडी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? हु वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गांधार एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नालंदा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ द नंदा डायनेस्टी? ऑप्शन ए महापद्म नंदा, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी धनानंद. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? द हरप्पन्स वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस विच आइटम? ऑप्शन ए कपास, दैट मीन्स कॉटन, ऑप्शन बी जौ, दैट मीन्स बार्ले, ऑप्शन सी चावल, दैट मीन्स राइस एंड ऑप्शन डी गेहूं, दैट मीन्स वीट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कपास, दैट मीन्स कॉटन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? विच वेद इज आल्सो पार्टली कंपोज इन प्रोज फॉर्म? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यजुर्वेद. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? विद होम इज द उपनिषद बुक्स रिलेटेड? ऑप्शन ए दर्शन, दैट मीन्स फिलोसफी, ऑप्शन बी धर्म, दैट मीन्स रिलीजन, ऑप्शन सी योग एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दर्शन, दैट मीन्स फिलोसफी.
स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? द गोल्डन टेम्पल इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी हिंदू रिलीजन, ऑप्शन सी जैनिज्म एंड ऑप्शन डी सिखिज्म। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सिखिज्म। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ मगध वेन अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी मौर्य एंड ऑप्शन डी हर्यक। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नंद। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द इंडियन फार्मर्स यूनियन? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मुरारजी देसाई, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण एंड ऑप्शन डी महेंद्र सिंह टिकैत। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी महेंद्र सिंह टिकैत। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? द किंग शुड सीज द टेम्पल मनी हूज स्टेटमेंट इज दिस? ऑप्शन ए सेल्यूकस, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मेगस्थनीज एंड ऑप्शन डी भर्तरी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कौटिल्य। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आजाद शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? आफ्टर आजाद शत्रु हूज रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मगध? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी धन्नंद, ऑप्शन सी उदयन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी उदयन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इन हूज फेवर वाज बिरसा मुंडा? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तरांचल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए झारखंड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर वर एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज, ऑप्शन बी संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन सी रिपन कॉलेज एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय? ऑप्शन ए डचो द्वारा, दैट मीन्स बाय द डच, ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा, दैट मीन्स बाय द पुर्तगीज, ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा, दैट मीन्स बाय द ब्रिटिश एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा, दैट मीन्स बाय द पुर्तगीज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पियोनियर ऑफ गुरिल्ला वारफेयर? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बालाजी, ऑप्शन सी शिवाजी एंड ऑप्शन डी अकबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी शिवाजी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया, ऑप्शन सी तुर्की एंड ऑप्शन डी पर्सिया। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोरक्को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? हु अमंग द फॉलोइंग फॉलोअर ऑफ गांधी जी वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन? ऑप्शन ए जे बी कृपालनी, ऑप्शन बी
ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी ए एन सिन्हा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जे बी कृपालिनी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन एसोसिएशन इन द ईयर 1932? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जगजीवन राम एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the right answer is option D, Mahatma Gandhi. Move to the next question. भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? When did the Quiet India Movement start? Option A 9 अगस्त 1942, option B 10th अगस्त 1942, option C 15th अगस्त 1942 and option D 17th अगस्त 1942. So your time starts now. And the right answer is option A 9 अगस्त 1942. Move to the next question. Phoenix Farm की स्थापना किसने की? Who founded Phoenix Farm? Option A विनोबा भावे, option B अरविंद घोष, option C महात्मा गांधी and option D इनमें से कोई नहीं, none of these. So your time starts now. And the right answer is option C, Mahatma Gandhi. Move to the next question. 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। What was the number of provinces majority elected by the Congress in the 1937 election? Option A 3, option B 6, option C 5 and option D 4. So your time starts now. And the right answer is option B 6. Move to the next question. निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? Who among the following was not involved in the Quiet India Movement? Option A महात्मा गांधी, option B बी आर अम्बेडकर, option C जवाहरलाल नेहरू and option D सरदार पटेल। So your time starts now. And the right answer is option B, B.R. Ambedkar. Move to the next question. किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? Who suggested that the Indian National Congress should be abolished after attaining independence? Option A महात्मा गांधी ने, option B जयप्रकाश नारायण ने, option C J.V. कृपालिनी ने and option D इनमें से कोई नहीं, none of these. So your time starts now. And the right answer is option A Mahatma Gandhi. Move to the next question. निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? Who among the following chaired the Karachi session of Indian National Karachi? Option A जवाहरलाल नेहरू, option B वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी एस सी बोस दैट मीन्स सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी जे एम सेनगुप्त दैट मीन्स जतेंद्र मोहन सेनगुप्त। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस इन द ईयर 1919? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी नागपुर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अमृतसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? When was महात्मा गांधी assassinated? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946 एंड ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949।
So your time starts now. And the right answer is option B, 30 January 1948. Move to the next question. गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी वेंट टू लंदन टू अटेंड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दैट मीन्स फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दैट मीन्स सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, दैट मीन्स थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। So your time starts now. And the right answer is option B, Dwitiya Golmej Sammelan, that means second round table conference. Move to the next question. Jallianwala Bagh ke narsanghar ke samay Bharat ka viceroy kaun tha? Who was the viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre? Option A Lord Canning. Option B Lord Chelmsford. ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड चैतन्य ऑफ असम? ऑप्शन ए लालगिर, ऑप्शन बी शिवनारायण, ऑप्शन सी दरिया साहेब एंड ऑप्शन डी शंकरदेव। And your time starts now. And the right answer is option D, Shankar Dev. Move to the next question. चोलो द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? With whom did the Cholas establish a close political and matrimonial relationship? Option A, वेंगी के चालुक्य, that means चालुक्याज ऑफ वेंगी। ऑप्शन बी बादामी के चालुक्य, चालुक्याज ऑफ बादामी। ऑप्शन सी कल्याणी के चालुक्य, दैट मीन्स चालुक्याज ऑफ कल्याणी। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य, दैट मीन्स चालुक्याज ऑफ वेंगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, दैट मीन्स सोशली। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र से, दैट मीन्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ऑप्शन सी कानून से, दैट मीन्स बाय लॉ। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the right answer is option A, समाज व्यवस्था से, that means socially. So today we have discussed 100 question of history. So for more, subscribe our channel. And if you like the session, do like the session, share with your friends and comment also. Thank you. Subscribe our channels for new videos.